हेलो नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो मेंस का क्वेश्चन है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा आज के करंट अफेयर्स से ही। तो आज जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं ये वाला आर्टिकल। इस आर्टिकल में एक्चुअली पाकिस्तान के बारे में जो टेरर फंडिंग का इश्यू था, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया 2 दिन पहले प्रीलिम्स के लेक्चर में, कि भी पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका डिसीजन अच्छा है, कैसा क्या अच्छे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ जो अगला आर्टिकल है यहाँ पे, इस आर्टिकल में जो मेन बड़ा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में मेनली डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि आज़ादी के 1947 के बाद मतलब किस तरीके के स्टेप हमारे यहाँ उठाए गए हैं और हमारा क्या क्या मोटो था, कौन कौन सी कमियाँ वगैरह, वो सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे और आर्टिकल वो भी हम देखें। तो सबसे पहले इस आर्टिकल से हम शुरुआत कर देते हैं। इस आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स थी वो मेनली बनाई गई थी 1989 में, उसका गठन किया गया था, बनाई गई थी स्टार्टिंग में मेन रीजन के लिए, वो गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बट इसके बाद में इसमें टेरर फंडिंग का मुद्दा भी ऐड कर दिया गया कि ये बॉडी है ये काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग वगैरह से डील करती है। तो इसमें हुआ क्या, अभी रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया, पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की वजह से ग्रीन लिस्ट में डाल दिया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो ग्रे लिस्ट का जो मुद्दा है वो सामने भी आया, तो काफी कंट्रीज ने इसका सपोर्ट भी किया है और कुछ कंट्रीज ने इसका विरोध भी किया है। अब देखो राइटर है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जून से जो ये गवर्नमेंट का जो मतलब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का डिसीजन है वो जून से अपडेट हो जाएगा और वो लागू है वो हो जाएगा। राइटर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तालिबान है, लश्करे तोयबा हुआ, इसके साथ जैसे मोहम्मद हुए और हक्कानी जैसे ग्रुप्स हैं, ये क्या है कि लगातार आतंकवाद फैला रहे हैं और इंडिया की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है वो पाए गए हैं। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो इंडिया को परेशान करता है, वो पूरे ऑल वर्ल्ड में नुकसान पहुंचाता है, इवन पाकिस्तान को खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, बट फिर भी पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता रहता है कि मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ किसी और को भी बर्बाद करता रहा, वो वाला सीन है। मतलब पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है और ये बात सामने भी आई है कि पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो लगातार तालिबान जैसे मौजूदा बढ़ते जा रहे हैं और उनके हेडक्वार्टर भी हैं, मतलब वहाँ उन्होंने अपने फोर्ट किले वगैरह जैसे बंद बना रखी हैं, वो चीज़ें भी सामने आई हैं। जिस जगह का नाम भी दिया गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो है मुद्दीकादे और एक वो है भालोपुर। तो भालोपुर और मुल्लिकादे इस जगह में उनके हेडक्वार्टर हैं जैसे मोहम्मद और तालिबान के, वो सामने पाए गए हैं, उनके सबूत भी हैं। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो सिक्योरिटी जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल का एक एक्ट है जिसका नाम है 12167 सेक्शन लगाया जाता है 1267 सेक्शन। तो 1267 जो सेंक्शन है इसके तहत ये प्रावधान है कि भाई कोई भी तालिब कोई भी जो आतंकवादी है ग्रुप है उसको कोई भी टेरर फंडिंग वगैरह नहीं दी जा सकती, ये चीज़ पहले से प्रावधान किया गया है सिक्योरिटी काउंसिल के तहत। फिर भी पाकिस्तान है वो इस सेंक्शन का विरोध करता है 1267 सेंक्शन का, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि उसके बाद इंटर कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप एक, इसका नाम है इंटर कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, ये ग्रुप है जो कि क्या काम करता है मेनली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, वो बताता है कि हाँ भाई इस लिस्ट के अंदर आप ये अपडेट करो, उसमें सुझाव देता है, मेनली रिकमेंडेशन देने का काम है। तो इसने रिकमेंडेशन दी थी पाकिस्तान के बारे में कि भाई इसको ग्रे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी हो गया है। बट राइटर कह रहे हैं कि देखो कुछ कंट्रीज ने विरोध भी किया था, जिसमें है चाइना हुआ, सऊदी अरब हुआ, गल्फ ऑफ कोऑपरेशन के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने विरोध किया कि भाई पाकिस्तान को आप मत करो। बाकी जो यूएन के कुछ सिक्योरिटी सिटी भी हैं जैसे कि अमेरिका हुआ, इसके बाद में जैसे कि फ्रांस, इन कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया कि हाँ भाई पाकिस्तान को टेरर फंडिंग में डालो। बट राइटर कह रहे हैं कि देखो चाइना ने क्या किया, चाइना ने पहले तो विरोध किया कि भाई मत टेरर फंडिंग वगैरह में मतलब इंक्लूड मत करो चाइना को, सॉरी पाकिस्तान को। बट फिर हुआ सीन कैसा, जब सेकंड लेवल की वापस मीटिंग आयोजित थी तो उसमें चाइना ने मना कर दिया कि भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान को। मतलब साफ था कि चाइना भी एक लिमिट के बाद पाकिस्तान का सपोर्ट वो नहीं करने वाला, क्योंकि चाइना खुद भी आतंकवाद से जूझ रहा है, इसलिए चाइना ने भी एक लिमिट के बाद मना कर दिया। हाँ वो अलग बात है कि चाइना के भी कुछ अपने रीजंस जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से चाइना बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। देखो लास्ट में राइटर फिर एक बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा सराहनीय लायक डिसीजन है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। अब राइटर ये कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ का फायदा हमें उठाना है या बाकी कंट्रीज को फायदा उठाना है तो सबसे अहम काम वो ये होता है कि भाई पाकिस्तान पर लगातार सेंक्शन पे सेंक्शन वो लगाने होंगे, तभी इसका रिजल्ट हो आएगा। मतलब पाकिस्तान पर दबाव वो क्रिएट करना होगा, तभी वहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी वो भी स्थापित हो पाएगी और जो आतंकवाद के ऊपर लगाम है वो लग पाएगी। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो उसमें पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। अब चलते हैं हम इस अगले आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में मेनली बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई संविधान का सीन है, वो सारे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले बात आती है कि हमारे देश का संविधान है वो आपको पता है कि सबसे ज्यादा बना है, वो बना है मेनली
जो 1935 का जो एक्ट था उसके तहत बना हुआ है, मतलब 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत ही भारत के संविधान की नींव वगैरह वो रखी गई है, तो भारत के संविधान का पिलर है एक तरीके से वो। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो हमारा संविधान बनाने का मोटो क्या था उस टाइम पे, क्या हमारा मोटो ये था कि भाई जो अंग्रेजों की जगह केवल इंडिया वाले रूल करें, या फिर हमारा मोटो ये था कि जो कमियाँ उस टाइम के संविधान में थी, अंग्रेजों में जो कमियाँ थी उन कमियों को दूर करना था। तो राइटर कह रहे हैं देखो जो भी कमियाँ थी हमें उनको दूर करना, और इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हेल्प भी कर रहा है, और इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सपोर्ट करती है कई बार काफी गलत नियमों वगैरह को। अब यहाँ पे राइटर एक बात कह रहे हैं कि देखो अगर हमारा मोटो ये था कि भाई संविधान जो पहले अंग्रेजों के द्वारा संविधान चलाया जा रहा था उसको हमें हटाना हो, केवल हमें हमारा रूल लेके आना है, तो फिर हमने इतने सारे चेंजेस क्यों किए? हमारे इसमें आज भी कुछ सड़ीगली बातें हैं जो भी आज भी चल रही हैं, जैसे आर्टिकल बात करता है यहाँ पे राइटर कहता है सेंक्शन 327 में, जिसमें ट्रांसजेंडर की बात आती है, ऐसे केसेस के सामने आते, तो वो कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में विद्यमान है। तो राइटर कहता है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर हमें जो मेन बात आती है इमरजेंसी हुआ, सेडिटेशन हुई, ट्रांसजेंडर की जैसे बातें, वो आज भी क्यों हमारी सोसाइटी में रखी हुई हैं, इनको मैं खत्म क्यों नहीं किया? तो बात ऐसी है कि हमें कुछ स्टेप उठाने होंगे, कुछ कमियां उनको दूर करना होगा। अब राइटर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है, सबसे पहले वो पॉइंट हम देख लेते हैं कि संविधान लागू होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुआ है, मतलब 1947 के बाद जो हमारा संविधान बना था 1950 में, उसके बाद क्या क्या हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं बदलाव में। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे, आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो एक दो करके। सबसे पहले आता है वोट का अधिकार, कि देखो वोट का अधिकार वो सबको मिल गया। उससे पहले सीन क्या था आज़ादी से पहले, कि भाई वोट का अधिकार था वो गिने चुने लोगों का था, केवल ब्रिटिश ईरा में 10% लोगों के पास ही वोट का अधिकार होता था, तो मतलब काफ़ी लिमिट थी। और उसके बाद क्या संविधान बना तो सबको अधिकार दे दिया कि भाई हाँ आपको वोट देने का अधिकार है वो है। इसके बाद में बात ये आती है, देखो पहले से ही नहीं होता था आज़ादी से पहले कि धर्म के आधार पर अलग अलग जगह पर वोट इलेक्शन होते थे, मतलब धर्म के आधार पर डिवाइड हुआ हुआ था भारत, जबकि आज़ादी के बाद ऐसा सीन नहीं, आज़ादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया कि भाई हर धर्म के लिए अलग इलेक्शन वगैरह होंगे, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, इससे हमारे देश की यूनिटी में फायदा हुआ, तो वो एक बहुत अहम डिसीजन है वो रखा गया। इसके बाद में आ जाती है वोट का राइट, कि वोट का राइट है देखो पहले सबके लिए नहीं था, पहले वोट का राइट उस लोगों के लिए था जो केवल गवर्नमेंट को पैसे देते थे या टैक्स वगैरह देते थे, मतलब केवल पूंजीपति लोग थे उनके द्वारा ही वोट का अधिकार दिया जाता था, बाकी वो लोगों को वोट का अधिकार था नहीं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आता है कि वोट का अधिकार है, देखो वो पहले अंग्रेज क्या करते थे गिफ्ट के तौर पर देते थे कि हाँ भाई चलो ठीक है वोट का अधिकार दे दिया, मतलब आपको गिफ्ट दे दिया अंग्रेजों की तरफ से, बट अब क्या है, अब वोट का अधिकार है वो आपका खुद का मेन अधिकार है, आपकी इच्छा है वो आपका अधिकार है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो, आपको अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो वही बात है राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आई है और संविधान में काफी सारे चेंजेस आए हैं, और जो कुछ कमियां थी ब्रिटिश राज में उनको दूर किया गया। इसके बाद में बात आती है एक मैटर आता है, वो था ऑर्डिनेंस का, मतलब अध्यादेश का बात आता है, तो अध्यादेश के बारे में राइटर कह रहे हैं कि देखो आज़ादी से पहले क्या सीन था कि ऑर्डिनेंस का यूज़ हो ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी हमारे लिए एक्ट वगैरह बनाने में, बट आज भी ये जो ऑर्डिनेंस का मेथड है वो यूज़ किया जाता है, बट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्शन है वो लेके आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार के मामले में कहा था कि भाई आप है ना इस तरीके से ऑर्डिनेंस का यूज़ है वो मिस यूज़ के तरीके से नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस केवल स्पेशल परिस्थितियों में या कुछ कारणों की वजह से यूज़ किया सकता है, ऐसा नहीं कि आप जब भी आपकी मनमर्जी आप ऑर्डिनेंस से लेके आओ और सारे काम आप ऑर्डिनेंस के थ्रू ही करो। तो मतलब बात कि सुप्रीम कोर्ट आज हमारे देश में क्या क्या प्रॉपर ढंग से काम करा रहा है, जो भी कुछ कमियां हैं वो जो उन लेकुनाज है उनको दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके बाद में बात ही आती है कि देखो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे ट्रांसजेंडर का मुद्दा है उनको अभी तक पूरे अधिकार नहीं है, तो राइटर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा, और जो कुछ कमियां हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अभी लेकोनोज कमियां हैं उनको दूर करना होगा, काफ़ी सारे नए फैसले लेके आना होंगे ताकि देश में एक इक्वलिटी एक ट्रांसपेरेंसी है वो बन सके। तो ये बात है। बाद में लास्ट में राइटर एक बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो ये कह रहे हैं कि भाई संविधान का मोटो वो पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर करना ही नहीं था कि भाई पहले तो अंग्रेज रूल करें और अब इंडिया वाले रूल करें, संविधान का मेन मोटो ये था कि भाई जो मतलब ब्रिटिश ईरा लोग कॉलोनियल ईरा के टाइम पे जो उनकी मनमर्जी थी ना उसको भी खत्म करना है, और हमारे लोगों के लिए जो भी भलाई का काम है उसको लेके आना है, ऐसा नहीं है कि केवल लिमिट लगानी है लोगों पे, नहीं लिमिट लगाने का मोटो नहीं था, जो भी ट्रांसजेंडर सेंक्शन और इमरजेंसी से काम है इनको रोकना भी हमारा काफी अहम है, तो गवर्नमेंट को इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। तो ये इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट है, वो देखें काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इनका यूज है वो कर सकते हो। अब देखते हैं हम अगले आर्टिकल, अगला जो आर्टिकल है यहां पे ये आर्टिकल है मेनली हेल्थ इंश्योरेंस वाली इसको इन स्कीम के बारे में, और ये आर्टिकल यहाँ पे है क्वाड ग्रुप के बारे में, तो अब इनके बारे में देख लें। सबसे पहले हम क्वाड ग्रुप वाला आर्टिकल इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल को क्वाड ग्रुप आपको पता है कि लास्ट ईयर नवंबर में बनाया गया था, इसमें चार कंट्रीज हैं, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसी के साथ है यूएसए। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो क्वाड ग्रुप मेनली आया क्यों था, क्वाड ग्रुप मेनली आया था चाइना को काउंटर करने के लिए, बट राइटर कह रहे हैं कि अभी तक देखो उन्होंने कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया था, मतलब इन चारों कंट्रीज ने मतलब इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया कि भाई चाइना के खिलाफ वो काम कर सकें, बट अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट, काफ़ी अच्छा प्रपोजल वो लेके हैं, वो है ज्वाइंट रीजनल
इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ज्वाइंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो राइटर इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेके आई गई है ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? देखो बात ऐसी है, चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना भी अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात आती है, तो चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू क्या कर रहा है, अपनी सारी पॉपुलरिटी फैला रहा है, अपने जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें अपने पैर है वो गढ़ा रहा है। बट इसी आधार पे क्वाड ग्रुप क्या कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना अगर हमें चाइना को काउंटर करना है ना, तो सिर्फ खोखली बातों से तो कुछ होने वाला है नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और बस विरोध करते रहे कि हाँ भाई चाइना गलत कर रहा है, हाँ भाई चाइना गलत कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इसीलिए जो डेवलप जो ये कंट्रीज हैं क्वाड ग्रुप वाली, इन्होंने क्या किया, जॉइंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है वो लेगी। इसमें भी यही प्रावधान है जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, भाई हमें सभी कंट्रीज में इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बनाने हैं ताकि सभी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और वहाँ पे जॉब वगैरह क्रिएट होगी, तो वो कंट्रीज अपने आप साथ आएंगी। मतलब चाइना को काउंटर करना है तो हमें काम भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बात ही करते रहे, खाली पुलावे बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ काम करना होगा। और उसी के तहत जो क्वाड ग्रुप के द्वारा एक्शन है वो नया स्टेप है वो उठाया गया है। अब देखो बात ऐसी है कि विरोध के साथ जो काम करें इसका बहुत सा फायदा है, एक तो ये होगा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चाइना की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, इसलिए कम हो जाएगी कि देखो चाइना की मनमर्जी रोकना बहुत जरूरी है, चाइना अपनी मनमानी लगातार कर रहा है और ऐसे माहौल में अगर जो क्वाड ग्रुप के द्वारा ज्वाइंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेके आई गई है, मतलब हर रीजनल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जाएगा, कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो ये काम वही है जैसे कि जो काम मेनली बॉर्डर एंड बेल्ट सॉरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, सेम वही काम जॉइंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का है। तो इससे फायदा होगा कि सारी कंट्रीज हैं वो इन क्वाड ग्रुप के पास आ जाएंगी, जिससे उनके पास ऑप्शन रहेगा कि भाई वो चाइना के पास ना जाएं। और अभी कहते हैं चाइना की मोनोपोली है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो जान उनका मन नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज का, किसी का मालदीव भी नहीं चाहता, श्रीलंका भी नहीं चाहता कि भाई वो चाइना के पास जाए, क्योंकि देखो चाइना की हमने एक बार देखा भी था कि हेमंतोता पोर्ट में किस तरीके से चाइना अपनी जो श्रीलंका में हेमंतोता पोर्ट है उसमें अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसीलिए कोई भी कंट्रीज नहीं चाहती है डेवलपिंग की वो चाइना के पास जाए, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि और कोई कंट्री उनकी हेल्प कर नहीं रही है, तो इसलिए उनको क्या करना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लेना पड़ रहा है। बट अगर वहीं उसी मौके पर जॉइंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आई है तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि भाई और कंट्रीज को मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई हम इसके साथ ही क्यों जाएं, क्योंकि चाइना तो अपनी मोनोपोली बना के रखेगा और हम पे लगाम भी लगा के रखेगा, इससे अच्छा है कि हम जो और कंट्रीज का ग्रुप है क्वाड ग्रुप इसके साथ है वो चलें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि भाई चारों देशों के अपने अपने रीजन्स हैं, चाइना के साथ अपने अपने लड़ाई है, मतलब अपने सवाल इश्यूज हैं, जैसे कि इंडिया का मेन इश्यू है वो बॉर्डर का है, इसके साथ और भी सारे इश्यूज हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का साथ देखा जाए तो इंडिया का सोवरेनिटी का इश्यू सामने आता है कि भाई इंडिया की सोवरेनिटी पीओके वाले एरिया से जा रहा है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो वो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। चाइना का देखा जाए तो अलग अलग है, चाइना का मतलब देखा जाए यूएसए का अलग इशू है, और देखा जाए तो वहाँ पे जापान का खुद का अपना अलग इशू है, ऑस्ट्रेलिया का अपना अलग इशू है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी प्रेजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो मतलब बात यही है कि सभी कंट्रीज़ के अपने अपने रीजन्स हैं चाइना के साथ, और इसीलिए चारों कंट्रीज के द्वारा ये अच्छा फैसला लिया गया कि भाई अगर चाइना को काउंटर करना है तो हम भी चाइना की तरह कुछ बड़ा काम करें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करें, तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं चाइना की जो मोनोपोली है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई क्वाड ग्रुप की तरह एक नया सिस्टम आया है, क्वाड ग्रुप का वो है जॉइंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह ही है। अब देखते हैं इस आर्टिकल तक, ये जो आर्टिकल है मेनली ये आया है, इसमें केस स्टडी दी गई है मेनली, सबसे पहले तो यह है हेल्थ सेक्टर में जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है उसके बारे में कि भाई इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वो अपने लाभ को क्या करती है, अपने मनमाने ढंग से यूज करती हैं। पहले तो क्या करती हैं, बताती नहीं है कस्टमर को कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और जब होता क्या है, जब पेशेंट अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेने जाता है उनके पास, तो फिर क्या कहती है, नहीं नहीं ये बीमारी तो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो मतलब हम इसको आपका मुआवजा वगैरह वो कंपनसेशन नहीं देंगे। तो इसी बात को लेकर इस आर्टिकल में लिखा गया, यहाँ पे केस स्टडी आई है वो आई है मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई एक पर्सन था, नाम वगैरह का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि एक पर्सन था उसको एक्चुअली हार्ट वगैरह कुछ डिजीज हो गई थी, तो उस कंडीशन में वो वहां से गए, उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उनकी इंश्योरेंस थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में, बट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि भाई ये जो डिजीज है ना आपको हार्ट वाली, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हमारे हेल्थ पॉलिसी के एग्रीमेंट में है नहीं, तो मतलब हम आपको इसका मुआवजा नहीं दे सकते। तो बंदा मासे थे वो गए हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में गए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी बहुत अच्छा डिसीजन सुना है, वो आप ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स में पीडीएफ में भी मिल जाएगा, वहाँ मैंने नोट्स अपलोड कर दूंगा अभी। वो दिल्ली कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि भाई बात ऐसी नहीं है कि आपकी एग्रीमेंट में है या नहीं है, आपकी मतलब हेल्थ पॉलिसी में चीज़ इंक्लूड है या नहीं है, बात आती है राइट टू हेल्थ की, जो कि आर्टिकल 21 की बात आती है, मतलब सभी राइट सभी सिटीजन्स का ये अधिकार है कि वो राइट टू जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस करें, और राइट टू हेल्थ उनका फंडामेंटल राइट है। इसीलिए इस राइट टू हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए जो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्लेम है वो देना होगा, ना कि क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। निर्णय बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके सामने डाटा सामने आए हैं हमारे, तो उस
डाटा का सामने ये आया है कि भाई हमारे देश में अभी तक केवल और केवल 29% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी क्या है टूटे फूटे रूप में, किसी के पास तो काफ़ी लिमिट है, किसी के पास बहुत कम पैसे में है, किसी के पास 10,000 रुपये, किसी के पास 20,000 रुपये के, मतलब बहुत कम मात्रा में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और अगर ऐसे माहौल में जो ये इंश्योरेंस कंपनीज अपनी मनमर्जी करेंगी तो किस तरीके से फिर कस्टमर को फायदा होने वाला है। देखो कॉमन सी बात ऐसी है, अगर हम कोई भी काम करने कोई भी कंपनीज वगैरह में कहीं जाते हैं तो हम टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफ़ी लंबी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो ऐसे माहौल में हमें क्या पता होता है कि भाई ये इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और रही बात बीमारी की, तो बीमारी तो कोई भी हो सकती है, अभी आप बोल दोगे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ये आपको बचपन से थी तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बात आती है राइट टू हेल्थ की, राइट टू लाइफ की, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट बन जाता है। और इसके तहत बात ऐसी है कि भाई उनको जो देना है क्लेम है मुआवजा है वो देना होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो डिसीजन में तो कोई बात नहीं है, डिसीजन तो बहुत अच्छा है, बट इसके साथ हमें कुछ कमियाँ वो भी सुधारनी होंगी। कमियों की बात यहाँ पे सामने ही आती है कि देखो एक तो जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनीज है ना इनके ऊपर रेगुलेशन लगाना सख्त जरूरी है। बात यहाँ पे एग्जांपल ले जाता है यूएसए का कि यूएसए में रेगुलेशन काफ़ी कंपलसरी कर रखे हैं, इसलिए वहाँ पे मतलब बहुत कड़े रेगुलेशंस होते हैं, इसके वजह से वहाँ पे कंपनियाँ वो अपनी मनमर्जी नहीं करती, वहाँ पे उनको मुआवजा वगैरह देना होता है। इंडिया में तो आपको पता है कि रूल रेगुलेशन इस तरीके से भी होते हैं कि भाई आपके जब वो अबव 60 होगी तो आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का कवरेज है वो नहीं ले सकते, तो ये बात राइटर कह रहे हैं कि काफ़ी गलत है। क्योंकि देखो हेल्थ इंश्योरेंस का मेन मोटो होना चाहिए कि उनको जो हेल्थ सर्विस वो प्रोवाइड करनी है, ना कि उनका मेन मोटो ही होना चाहिए कि वो अपना प्रॉफिट देखें, क्योंकि मेन काम उनका है कि हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करना है, तो वो अपने फायदे की बजाय लोग कस्टमर का फायदा वो उन्हें उस प्रायोरिटी देनी होगी। इसके बाद बात यह आती है कि उनकी मनमानी है वो खत्म करनी होगी गवर्नमेंट को। इससे के साथ ही लोगों को एम्पावर करना भी काफ़ी अहम है, क्योंकि देखो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, ना ही उनको पता होता है कि भाई किस तरीके से हमें एक्शन लेनी है, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमें मना कर देती है तो हम किसी कैसे स्टेप उठाना है, इसके साथ में फंड वगैरह किस तरीके से राइज करना होता है, तो सारी जो स्कीम वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को अवेयर करना होगा लोगों को। इसके बाद में बात आती है एज लिमिट क्या, कि भाई एज लिमिट का जो गैप है ना जो ब्रेक लगा उसको भी हमें तोड़ना होगा गवर्नमेंट को, और दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए और सभी जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर फोर्सफुली अप्लाई है इसे करना चाहिए। इसके बाद में बात राइटर ये कह रहे हैं लास्ट में कि भाई हेल्थ के लिए नए स्टेप है गवर्नमेंट को वो लेके आने के, क्योंकि वो काफ़ी अहम है वो हो जाते हैं। तो ये थे इस आर्टिकल में जो कंप्लीट पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखो लास्ट में छोटा सा आर्टिकल है नेक्स्ट पेज पे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, उसमें वैसे कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं बट चलो अभी देख लेते हैं छोटा सा। हाँ ये वाला आर्टिकल है, अभी ऊपर तो जो इंटरव्यू है वो कुछ काम का है नहीं, इस आर्टिकल में देखते हैं। देखो ये वाला छोटे वाला जो आर्टिकल है इसमें मैंने ये कहा गया है कि भाई अगर 500 दलित जो लोग हैं उनको अगर एक्चुअली मतलब पुजारी वगैरह बना दिया जाता है मंदिर में ट्राइबल एरिया के, तो उनको क्या है अपनी जॉब भी मिल जाएगी और उनका आजीविका भी हो जाएगी और जो हमारी सोसाइटी में भेदभाव है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं कि भाई 500 अगर दलित और ट्राइबल यूथ को अगर मतलब धर्म का पुजारी बनाया जाता है तो उससे समाज में अराजकता फैल जाएगी, कुछ का पॉइंट ऐसा कहना है, कुछ ऐसा कहना है कि डिसीजन तो अच्छा है बट इसे लोग व्यवहारिक रूप में अप्लाई है वो नहीं करेंगे। तो इसके बारे में पॉइंट दिया गया, सबसे पहली बात तो ये आती है कि देखो रिचुअल का जो नॉलेज होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी वो आप यूज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की 2015 की एक जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि भाई आप किसी भी इंसान की बर्थ के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आदमी पुजारी बनने वाला है और कौन पुजारी नहीं बनने वाला, क्योंकि देखो पुजारी बनना और ना बनना इसका मतलब है कि उसको रिचुअल का नॉलेज है या नहीं है। अगर कोई भी इंसान है जो मतलब नॉनवेज खाता है वेजिटेरियन जो भी हो अगर उसको रिचुअल का नॉलेज नहीं है तो पुजारी कैसे बनेगा, मतलब रिचुअल का नॉलेज होना चाहिए चाहे वो नॉनवेज खा रहा हो चाहे वो वेज खा रहा हो, इशू वो नहीं होता है। पुजारी का मेन क्या क्या होता है कि भाई उसको आध्यात्मिकता का पता होना चाहिए, रिचुअल सारी चीजें उनका भी पता होना चाहिए, तो इसीलिए रिचुअल का नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। कास्ट बैरियर है उसको रोकना होगा हमें, और हमारी सोसाइटी में जो कास्ट का बैरियर बना हुआ है इसके ये एक छोटा सा पॉइंट है मतलब अच्छा पॉइंट है वो साबित हो सकता है। तो ये इस आर्टिकल का कुछ पॉइंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देखो जो पीडीएफ है वो जो हैंड रिटन नोट्स में अभी आपको वेबसाइट पे अपलोड है वो कर दूंगा, क्योंकि पीडीएफ अभी यहाँ बना के अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने चाहिए डिस्कशन पहले कर लेते हैं फिर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, आज की डिस्कशन में थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।